जय श्री कृष्णा एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय किचन स्पाइसेस एंड बेक्स। मैं शीतल बिरला आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्लेवर से भरा हुआ और फुल ऑफ स्पाइसेस एक बहुत ही टेस्टी कैरेट केक। साथ ही इसमें हेल्दी ट्विस्ट भी है क्योंकि इसको बनाया है 100% होल व्हीट आटे से। और रेसिपी इतनी सिंपल है कि इसको बिगिनर्स रेसिपी भी कह सकते हैं क्योंकि इसके लिए कोई स्किल और परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इस केक का टेक्सचर देखिए, कलरिंग देखिए, इसकी बेकिंग देखिए। इस वीडियो को देख के बिल्कुल घर के सामान से आप ये केक बना सकते हैं। तो शेयर कर रही हूँ एगलेस व्हीट कैरेट केक की रेसिपी और साथ में क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग की रेसिपी। केक को बनाएंगे स्टोव टॉप पे। तो यहाँ पे एक बड़ी कढ़ाई को मैंने प्री हीटिंग के लिए रखा है और एक लेयर मैंने सॉल्ट की डाल दी है उसमें। एक स्टैंड लगाया है थोड़ी हाइट के लिए और इसको कवर करके मीडियम हीट पे अभी गर्म करने रखा है। एक बेकिंग डिश को मैं ग्रीस कर रही हूँ, उसके ऊपर पार्चमेंट पेपर लगाया, उसको भी थोड़ा ग्रीस किया और अभी थोड़ा सूखा आटा, गेहूं का आटा ही लिया है मैंने, उससे इसको मैंने डस्ट किया है। 2 कप के करीब मैंने गाजर ली है, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। और अभी बैटर बनाने के लिए एक मिक्सिंग बाउल में 1.5 कप पिसी हुई शक्कर ली है और 1 कप दही। दही और शक्कर को बहुत अच्छे से पहले मिक्स करना है, इसके शुगर के दाने पूरी तरीके से ख़त्म हो जाने चाहिए। और अभी इसमें डाल रही हूँ मैं 1/2 कप ऑयल। आप कैनोला या वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं या बटर भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल इसके साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है और अभी इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून वेनिला एसेंस। और अब इसमें डालेंगे ड्राई इन्ग्रेडियंट्स। तो गेहूँ का आटा ले रही हूँ 2 कप, 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर सिनेमन पाउडर, 1/4 टीस्पून है जायफल का पाउडर और लौंग का पाउडर, और नमक ले रही हूँ 2 पिंच, साथ में बेकिंग पाउडर है 2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून है बेकिंग सोडा। इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के लेना है और ये बहुत ज़रूरी है, इससे बैटर बहुत स्मूथ बनता है यदि ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के यूज़ करेंगे तो। अभी ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से यहाँ पे मिक्स करना है। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के बाद इसमें दूध ज़रूरत होगी, उस हिसाब से डालेंगे। तो यहाँ पे मैं कैरेट को भी पहले डाल रही हूँ, 2 कप ये कैरेट है, तो इसका जो भी मॉइस्चर होगा वो भी आटे में अच्छे से पहले मिक्स हो जाएगा और फिर ज़रूरत के हिसाब से ही दूध डालेंगे। तो ये बैटर थोड़ा सा मुझे ड्राई लग रहा है तो इसमें मैं 2 टेबल स्पून के करीब दूध डाल रही हूँ। अभी इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है और अभी इसमें मैं डाल रही हूँ चॉप्ड वॉलनट्स। आप इसके साथ यहाँ पे किशमिश भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसमें इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बैटर की कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। इसको शिफ्ट कर रही हूँ मैं ग्रीस्ड पैन में और इसको डाल रही हूँ प्री हीटेड कढ़ाई में और कवर करके फर्स्ट 1 मिनट के लिए इसको हाई हीट पर रखा है क्योंकि इसकी सारी हीट जो निकल गई थी उसके लिए। और 1 मिनट बाद इसको फिर से लो हीट पे रखना है और बाकी की अब नेक्स्ट पूरी कुकिंग लो हीट पे ही करना है। इस लिड को बिल्कुल भी बीच में उठाना नहीं है और इसमें मॉइस्चर भी आ जाएगा, लेकिन तब भी इस लिड को यदि ओपन कर दिया तो केक पूरा नीचे बैठ जाएगा। तो ऑलमोस्ट इस केक को अभी 1 आवर हो गया है बेक होते हुए और जब इसकी साइड की एजेस पूरी ड्राई दिखने लगी तब मैंने लिड को ओपन किया है। और अभी टूथपिक या स्क्यूअर से सेंटर में चेक कर लीजिए, इफ़ इट कम्स आउट क्लीन इसका मतलब केक पूरी तरीके से अच्छा बेक हो गया है। तो हीट को अभी मैंने ऑफ कर दिया है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है साइज़ में। केक यदि परफेक्ट बेक हो जाता है तो वो साइड्स को इस तरीके से छोड़ भी देता है। मैंने इसको 1.5 आवर के लिए किचन नैपकिन से कवर करके रखा था और अभी ये जब बिल्कुल हल्का सा ही गर्म है तब मैं इसको डीमोल्ड कर रही हूँ। एक पार्चमेंट पेपर रखा और उसको टर्न कर लिया, बहुत धीरे से इस मोल्ड को निकाला और केक बहुत अच्छे से निकला है, बहुत अच्छा इसका कलर आया है और इसमें जाली आप देख सकते हैं कि कितना स्पॉन्जी और सॉफ्ट केक बना है, ये देखिए। जब ये केक पूरी तरीके से ठंडा हो गया तो फिर मैं इसको 2 लेयर में कट कर रही हूँ। इसमें से बहुत अच्छी स्पाइसेस की खुशबू आ रही है और केक बहुत ही सॉफ्ट बना है, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। और आप इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, कोई इस पर फ्रॉस्टिंग आइसिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके साथ क्रीम चीज़ की फ्रॉस्टिंग अच्छी लगती है।
मैंने 8 ounce क्रीम चीज़ ली है और उसमें 1 stick यानी आधा कप बटर ले रही हूँ। दोनों रूम टेम्परेचर पे है और इन दोनों चीज़ों को मैंने बीट किया और यहाँ पे अभी डाल रही हूँ 1.5 cup आइसिंग शुगर। बहुत ही परफेक्ट स्वीटनेस की ये फ्रॉस्टिंग बनेगी, ना तो ये बहुत स्वीट है और ना ही ये फीका है। वनीला एसेंस डाला और क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग रेडी हो गई है। अब केक की एक लेयर पे मैं इस फ्रॉस्टिंग को अप्लाई कर रही हूँ, उसके ऊपर मैंने केक की सेकेंड लेयर रखी और इसके भी सिर्फ मैं टॉप पे ही ये फ्रॉस्टिंग लगा रही हूँ। इसकी साइड्स पे मैं आइसिंग नहीं कर रही क्योंकि उसका कलर बहुत अच्छा है, तो मैं उसको ऐसे ही रहने दे रही हूँ। आप स्पेटुला, नाइफ या बटर नाइफ या फिर स्पून से इस फ्रॉस्टिंग को स्प्रेड कर सकते हैं, आपको इसके लिए कोई अलग से टूल की ज़रूरत नहीं है और आप अपनी पसंद से या तो स्पून से ही या स्पेटुला से कोई डिज़ाइन इसके ऊपर टेक्सचर बनाना चाहते हैं तो बना दीजिए। मैंने यहाँ पे पाइपिंग बैग यूज़ किया है बॉर्डर बनाने के लिए, लेकिन आप फोर्क से भी वो डिज़ाइन बना सकते हैं। और मैंने पिकान और कैरेट के फ्लावर बनाए हैं और मिंट से इसको डेकोरेट किया है। आप अपनी पसंद से कोई भी यहाँ पे चाहें तो डेकोरेशन अपना इमेजिनेशन यूज़ करके बना सकते हैं। कैरेट फ्लावर बनाने के लिए मैंने कैरेट की एक लंबी स्लाइस निकाली इस तरीके से और उसको रोल कर लिया, तो ये कैरेट फ्लावर तैयार हो गया। इसकी फ्रॉस्टिंग को भी हेल्दी ट्विस्ट देने के लिए आप क्रीम चीज़ की जगह पनीर या फिर ग्रीक योगर्ट यूज़ कर सकते हैं और या फिर हंग कर्ड बना सकते हैं जिसको चक्का कहते हैं। दही को 3-4 घंटे के लिए मसलिन क्लॉथ में बांध दीजिए, तो जो गाढ़ा दही तैयार होगा उसको आप फ्रॉस्टिंग में यूज़ करिए। रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिए और आई एम श्योर जो भी इस केक को खाएगा एवरी बाइट पे आपको अप्रिशिएट ज़रूर करेगा। आपको रेसिपी और वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल स्पाइसेस एंड बेक्स को सब्सक्राइब करिए इसी तरीके के और हेल्दी और डिफरेंट रेसिपी आइडियाज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून। बाय।